Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी हॉस्पिटलों ने अपने अलग अलग बचाव के रास्ते भी अब ढूंढ लिए हैं। आप देखें, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जेपी हॉस्पिटल के बाहर का हिस्सा है और आप देखें यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। जो पेशेंट के तीमारदार जो होते हैं, साथ वाले जो होते हैं, वो बाहर ही अब बैठेंगे। अंदर उनकी एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई है, उन्हें अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं होने दिया जाता। और ये डायरेक्टर जो है कि निशी मैम है, उन्होंने हमें भी ये बताया कि यहाँ पर जो उनके साथ वाले होते हैं तीमारदार, उनकी एंट्री हमने बैन कर दी है फिलहाल के लिए। आप रिसेप्शन पर भी देखें, पहले दो दो जने हुआ करते थे, अगर आज आप देखेंगे रिसेप्शन पर तो सिर्फ यहाँ पर एक जना खड़ा हुआ। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, सारा एरिया आपको फिलहाल अभी खाली मिलेगा, यानी कोरोना के अंदर ज़्यादातर हॉस्पिटल सेफ्टियाँ पूरी तरीके से बरत रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं मेरठ के सभी हॉस्पिटलों में जाकर किस तरीके से मेरठ के हॉस्पिटलों में एहतियात बरती जा रही, कितना प्रिकॉशन वहाँ लिया जा रहा है। आपको बता दूँ, लगातार हमारा ये प्रयास से कैसे लगातार आपको दिखा रहा है कि मेरठ के अंदर किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर, जिस बात को डॉक्टर बार बार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, भीड़ भड़ाके को लेकर, ये चेहरे पर मास्क को लेकर, सैनिटाइज को लेकर, आखिरकार हॉस्पिटल के अंदर सच्चाई क्या है, क्या वहाँ पर भी ये चीज़ें अपनाई जा रही नहीं जा रही, कि मरीज किस तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जनरल पेशेंट कौन कौन से यहाँ पर लिए जा रहे हैं, कौन कौन से नहीं लिए जा रहे हैं। खुद मेरे बात ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ के डायरेक्टर निशी गोयल जी, उनसे जानेंगे। यहाँ पर सीएमओ सर के आदेश का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। ओपीडी में मरीजों को 6 फीट की दूरी का मेंटेन करना आवश्यक है। उन्हें आने पर उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, उनका टेम्परेचर रिकॉर्डिंग किया जाता है, उनके वाइटल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद एक फ्लू फॉर्म भरवा कर उनकी सब आवश्यक जानकारी ली जाती है और उनको बिठा कर फिर हम सब पूरा सैनिटाइज करा के उनको एक एक मास्क, कैप, शू कवर आदि देते हैं। और उसके पश्चात जहाँ पर एक मरीज बैठ जाता है, उस जगह को भी सैनिटाइज किया जाता है और हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पीपीई किट, वाइजर और मास्क लगाकर मरीजों का परीक्षण करते हैं। और जो भी इमरजेंसी में मरीज आता है, उसके साथ ये सब सुविधाएँ उसे प्रदान की जाती हैं तथा इसी प्रकार से उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। जो मरीज, ज़्यादातर मरीज अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आते हैं, जिनकी डिलीवरी या ऑपरेशन होना होता है। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आ जाता है और उसके पास एंटीजन की रिपोर्ट होती है, तो उस समय उसका कार्य करके उसके बाद उसका आरटीपीसीआर भिजवा दिया जाता है। अगर मरीज नेगेटिव हो, मजबूरी आपके सामने ऐसी होती है, सिचुएशन हो इमरजेंसी वाली कि आपको करना पड़ा है डॉक्टर, आप उस टाइम पर नहीं रुक सकते। हाँ जी, ये क्योंकि मरीज के लिए लाइफ सेविंग है, तो उस समय मरीज अपनी जान की परवाह किए बिना हम उसका कार्य करते हैं और साथ ही में आरटीपीसीआर भिजवा देते हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो ज़्यादातर मरीजों में नेगेटिव ही आती है। बट अगर कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास कोई ऑपरेशन के बाद पॉजिटिव आया हो, अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो हम पूर्ण जानकारी सीएमओ ऑफिस में उपलब्ध कराकर उसे उसी तरीके से कार्यवाही करते हैं। सीएमओ ऑफिस में तो आपको अब लगातार अपडेट करना पड़ा जी, करते हैं हम डेली रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में भेजते हैं। वो एक हमारा पोर्टल बना हुआ है सीएमओ सर के साथ, डॉक्टर रचना टंडन मैडम के साथ, रोज उसमें हम जानकारी अपडेट करते हैं। मैम, आप जानते होंगे कुछ हॉस्पिटल जो बंद हुए हैं, सीज हुए हैं, वो इस बात को लेकर हुए हैं कि वहाँ गैदरिंग ज़्यादा थी, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल वहाँ पर तज्जी उड़ाई जा रही थी, जिस बात को सीएमओ सर खुद कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि भाई वहाँ बिल्कुल भी गैदरिंग ना हो। अपार्टमेंट के साथ मरीजों को बुलाते हैं और बाहर हमने एक टेंट लगवाया हुआ है, जिससे जो उसके मरीज के तीमारदार हैं वो बाहर बैठे डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। एंट्री अंदर नहीं है। और जो पेशेंट ऐसा लगता है कि उसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके के हैं, तो जब डॉक्टर संजय गोयल उन्हें देखते हैं तो ये पता लगता है कि अगर उनको फीवर है, कफ है, तो उनको यहीं बाहर से उनसे टेली कम्युनिकेशन के द्वारा उनसे बातचीत कर ली जाती है, उनके सिम्टम्स पूछ लिए जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि उसका सेचुरेशन फॉल कर रहा है, कम्युनिकेशन की ज़्यादा आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, मतलब आप जो है कांटेक्ट जो उनसे हो रहा है प्रॉपरली, यहाँ बुलाकर नहीं हो रहा, तो जो इस तरीके के मरीज होते हैं उनको अगर उनका सेचुरेशन फॉल कर रहा होता है तो उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, और जिनको अभी सेचुरेशन ठीक होता है तो उनको आरटीपीसीआर एडवाइस कर दिया जाता है। के अंदर जो ये कुछ हमारे प्राइवेट तो आनंद है, और उसके बाद जो 3-4 हॉस्पिटल हैं, शुभ भारती है, मेडिकल है,
मुलायम सिंह हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जहाँ सब में अच्छा काम हो रहा है, सब लोग सुविधा दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से सरकारी तंत्र इस समय सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। पूरी तरीके से हमें उन पर और हम मरीजों को भी यही विश्वास दिलाते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में चाहिए, सरकारी तंत्र से ही अपनी RT-PCR की जांच कराइए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बट ये लोगों की अपनी चॉइस होती है कि वो कहाँ से कराएं, जिसको समझ आ जाता है ठीक है, नहीं तो वो अपने अपने हिसाब से आगे का लाइन ऑफ एक्शन करते हैं। तो आपने देखा JP हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेरे साथ थे निशी अग्रवाल, जो हमें जिस तरीके से बता रही थी कि कितना यहाँ पर अलग तरीके से हर एक जो हॉस्पिटल होने कोरोना काल के अंदर सभी ने अपने अपने रूल नियम अलग अलग कर लिए हैं। कोई कॉल के माध्यम से बात कर रहा है पेशेंट से पहले आने से पहले, तो कोई देखकर भी अगर कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर वगैरह, उनकी थर्मल स्कैनिंग वगैरह सब, उसके बाद उनकी एंट्री होती है और उन्हें एडमिट किया जाता है।